चलो उस बेल को काट दें, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। हाँ हाँ काट देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। समय बीतता गया और बेल बड़ा होते हुए पेड़ पर ऊपर चढ़ने लगा। ये बेल तो हमारे घोंसले तक आ गया। मिट्ठू, अब ये पेड़ हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। टीटू, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। टीटू अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी उसी बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ जाता है और चुपके से मिट्ठू के बच्चों को पकड़ के पिंजरे में डाल देता है और उनके बच्चों को अपने साथ लेकर चला गया। काश मैंने टीटू की बात मान ली होती, मेरे बच्चे। और इस तरह मिट्ठू को अपने आलस के कारण अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ा।